तो गाइस फाइनली सैमसंग ने गैलेक्सी A22 के 4G वेरिएंट को ऑफिशियली इंडिया में अनाउंस कर दिया है और इस स्मार्टफोन की जो सेल है गाइस वो भी स्टार्ट हो चुकी है अमेजोन पर, जहां पर इस स्मार्टफोन का एक ही वेरिएंट अवेलेबल है जो कि है 6GB प्लस 128GB और इस स्मार्टफोन की प्राइस रखी है गाइस सैमसंग ने 18,499 रुपये, जहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में 6.4 इंच की HD प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। साथ ही आपको डिस्प्ले में 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है जो कि 48+8+2+2 मेगापिक्सल का। साथ ही आपको प्राइमरी सेंसर में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। वहीं सेल्फी के लिए आपको इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको मिल जाती है इस स्मार्टफोन के साथ में, जो कि आती है 15W की फास्ट चार्जिंग के साथ में। और इस स्मार्टफोन में लगी है ताकत मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर की। वहीं इस स्मार्टफोन में गाइज आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन गाइज लॉन्च हुआ है एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बेस्ड है सैमसंग के वन UI 3 पर। वहीं इस स्मार्टफोन में गाइज आपको चार्जिंग के लिए USB टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। तो गाइज ये सारे फीचर्स आपको जो है इस स्मार्टफोन में मिल जाते हैं 18,499 रुपये में। कीमत मुझे गाइज इस स्मार्टफोन की थोड़ी सी ज़्यादा लगी। मेरे हिसाब से गाइज इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 16,000 से 17,000 रुपये के आसपास में होनी चाहिए थी। बाकी गाइज आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपकी क्या है मन की बात इस स्मार्टफोन की प्राइस को लेकर, और क्या आप इस प्राइस रेंज में इस स्मार्टफोन को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं, बताना जरूर मुझे नीचे कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते दोस्तों आपको किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।